आपना सर्वांना माझा नमस्कार। आज राष्ट्र निर्माते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर यांचे बडिलोपार्जित गांव आंबड अवेचे धरतीवर येण त्यांच्या अस्थि कलशची पूजा करण भगवान बुद्ध नसेच बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर हयांच्या प्रतिमेवर आवी आदरणीय रामजी सकपाल व आदरणीय रमाबाई आंबेडकर हयांच्या चिंतावर पुष्पांजली अर्पण करण मी माझे परम सौभाग्य मानतो। ये स्थान ऐसा है जिस पर आकर के हर कोई भावुक होता है। देश का हर नागरिक उसको एक ऐसा संविधान मिला जिसमें कि हर नागरिक के अधिकारों की चिंता की है और हर नागरिक ये सोचता है कि ये वही पूर्ण भूमि है जहां से संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब आंबेडकर के परिवारजन के लोग थे। और कभी कभी मैं सोचता हूँ रत्नागिरी की जब बात आती है, रत्नागिरी जिले की जो प्रसिद्धि है वो यहाँ जितने महान विभूतियाँ हुई उनका मैं उल्लेख करूँगा, लेकिन एक और विशेषता जो मैंने देखी अभी मैं आया, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और यहाँ का जो मैंगो आम होता है जिसको अंग्रेजी में अल्फांसो कहते हैं और हिंदी में शायद हापुस कहते हैं, उस आम की मिठास वो केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व के अनेकों कंट्री में उनको ये जब पता चलता है कि ये मैंगो है कहाँ का, कौन से जिले का है, इंडिया का है बात समझ में आती है, लेकिन इंडिया में भी किस जगह का है तो ये कहा जाता है रत्नागिरी जिले का। उसकी मिठास, आम की मिठास वहां तक पहुंची है और यहाँ के लोगों की आचरण में भी मिठास है, वाणी में भी मिठास है। और मैं आज सचमुच ये संकल्प आप सब लोगों के बीच में आप सबके साथ ये संकल्प जरूर लेना चाहूँगा कि इस रत्नागिरी जिले की मिठास पूरे देश में फैले और वो मिठास की जो शुरुआत है आज हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने उन्होंने शुरुआत की है, उस शुरुआत जो की है, जो प्रयत्न किया है, एक इनिशिएटिव लिया है, उसमें हम सब लोग मिलकर के साझेदारी करेंगे और रत्नागिरी जिले की जो मिठास है वो यहाँ से पैदा हो। देवी और सज्जनों, लगभग 2 महीने पहले 6 दिसंबर को देशवासियों ने बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया और उनका सादर स्मरण भी किया। उसके पहले 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस मनाया गया। सन 2015 से प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले संविधान दिवस के दिन आयोजित देशव्यापी समारोहों में भी बाबा साहब और उनके द्वारा पोषित संवैधानिक आदर्शों को ही मुख्यतया स्मरण किया जाता है। मुझे बताया गया है कि इसके साथ ही 7 नवंबर का दिन महाराष्ट्र के विद्यालयों में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1900 में 7 नवंबर को बाबा साहब ने विद्यालय में दाखिला लिया था। आज ये कहा जा सकता है कि उस दिन एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। विद्यार्थी दिवस के आयोजन द्वारा बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने की शिक्षा देने का यह प्रयास सराहनीय है। इसके लिए महाराष्ट्र की जनता और सरकार को मैं बधाई देता हूँ। 14 अप्रैल को सभी देशवासी श्रद्धा और उत्साह के साथ आंबेडकर जयंती मनाते हैं।
बाबा साहब से जुड़ा हर कार्यक्रम हमें करुणा युक्त कानूनी राज व समता मूलक समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा के प्रति बाबा साहब आम्बेडकर के लगाव को स्मरणीय बनाने हेतु पूरे देश में 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने पर भी विचार किया जा सकता है। सांसद महोदय बैठे हैं ना यहाँ, मैं चाहूंगा सांसद जी आप इसका प्रयास करिए और मैं भी आपकी मदद करूंगा। देवी और सज्जनों, बाबा साहब शिक्षा के प्रचार प्रसार को सबसे अधिक महत्व देते थे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि बाबा साहब के इस गांव में श्री भीखू राम जी इराते के प्रयासों से सावित्री बाई फूले शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विद्या मंदिर नामक माध्यमिक विद्यालय चलाया जा रहा। मुझे यह भी बताया गया कि इस विद्यालय के बेटे बेटियों का रिजल्ट बहुत प्रभावशाली होता है। मेरा विश्वास है कि माध्यमिक विद्यालय के यहाँ होने से इस क्षेत्र के बच्चों विशेषकर बेटियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी और भविष्य में भी मिलती रहेगी। इस योगदान के लिए मैं इदाते जी की भी विशेष सराहना करता हूँ। आज के समारोह में भाग लेकर परम आदरणीय बाबा साहब के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का सौभाग्य तो मुझे मिला ही, साथ ही भारतीय महिलाओं की शिक्षा तथा सशक्तिकरण के संघर्ष का आरंभ करने वाली सावित्री बाई फूले तथा देश में सामाजिक नवजागरण के अग्रदूत महात्मा फूले का पूर्ण स्मरण करने का भी सुअवसर मिला है। बाबा साहब महात्मा ज्योतिबा फूले को अपना आदर्श मानते थे। सावित्री बाई फूले शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा यहाँ चलाया जा रहा है माध्यमिक विद्यालय उन दोनों महान विभूतियों के आदर्शों की याद दिलाता है। इस प्रकार आम्बडवे गांव की यह यात्रा मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा के समान है। और जैसा कि हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने उल्लेख किया कि जो भारत सरकार द्वारा पंच तीर्थों की कल्पना की गई है साकार भी हुई है और उसके मूल में ये आम्बडवे गांव को भी जोड़ा जाए, ये बहुत अच्छी परिकल्पना है। और इसके लिए भी सांसद जी मैं आपसे ही अनुरोध करूंगा कि आप इसका प्रयास करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। आप बार बार कहेंगे कि प्रयास करने के लिए मुझे कहते हैं, क्योंकि आप सांसद हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी हैं और सही माने में सांसद महोदय आप मेरे प्रतिनिधि भी हैं। देवी और सज्जनों, बाबा साहब की जीवन यात्रा से जुड़े 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ का नाम दिया गया। महू में उनकी जन्मभूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में परिनिर्वाण स्थल, मुंबई में चैत्य भूमि तथा लंदन में आम्बेडकर मेमोरियल होम के पंचतीर्थों में बाबा साहब के आदर्शों से जुड़े लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देश में स्थित सभी 4 स्थलों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। बाबा साहब के सम्मान में इन स्थलों को सुचारू रूप से विकसित करने में योगदान के लिए मैं केंद्र सरकार की सराहना करता हूं। केंद्र सरकार को मेरा सुझाव भी होगा कि बाबा साहब से जुड़े उन महत्वपूर्ण स्थलों की भांति उनके इस पैतृक गांव में स्थित स्मारक को भी तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। साथ ही केंद्र व महाराष्ट्र की सरकार मिलकर ऐसी सुविधाओं का विकास करें जिनसे लोगों को इस स्थल पर आना सुगम हो सके। देवी और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि इस गांव को स्फूर्ति भूमि का नाम दिया गया। अनेक क्षेत्रों में पूरी ऊर्जा के साथ आजीवन योगदान देने वाले बाबा साहब के इस पैतृक गांव को स्फूर्ति भूमि का नाम दिया जाना सर्वथा सार्थक है। मैं आशा करता हूं कि स्थानीय प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा गांव के इस नाम को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स में
अर्थात रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी दर्ज करा दिया जाए। इस पूर्ति भूमि के आदर्श के अनुरूप पूरे देश के प्रत्येक गांव में समरसता और सौहार्द पर आधारित ऐसी समाज व्यवस्था होनी चाहिए जो उन सभी कुप्रथाओं से मुक्त हो जिनसे बाबा साहब की समता पूलक मूलक संवेदना को ठेस पहुंचती थी। यहां उपस्थित पूर्व सांसद श्री अमर सावले जी ने इस गांव के लिए सराहनीय योगदान दिया है। अपनी सांसद निधि की अधिकांश धनराशि उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में लगाई है, उसके लिए मैं उनकी विशेष सराहना करता हूं। अन्य समर्थ व्यक्तियों और संस्थाओं को भी इस प्रकार बाबा साहब से जुड़े स्थलों के लिए अपना योगदान देना चाहिए। देवियों और सज्जनों, महाराष्ट्र का यह क्षेत्र भारत के आत्मगौरव तथा मानव मात्र की गरिमा के लिए संघर्षरत महान विभूतियों की कर्म स्थली रहा है। इसी रत्नागिरी जिले से जुड़े रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी साम्राज्य का उद्घोष किया था और उनका ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। 2 महीने पहले मुझे रायगढ़ दुर्ग में राज्यपाल महोदय के साथ शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक राज्याभिषेक स्थल को देखने तथा उनकी पवित्र समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने का सौभाग्य मिला था। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के पैतृक स्थल भी इसी क्षेत्र के सतारा और पुणे जिलों में स्थित है और यह क्षेत्र उनकी कर्मस्थली भी रहा है। रत्नागिरी से जुड़े कोल्हापुर में ही छत्रपति शिवाजी के वंशज साहू जी महाराज ने 19वीं सदी के अंत तथा 20वीं सदी के आरंभ में महात्मा फूले के आदर्शों को आगे बढ़ाया तथा बाबा साहब को हर तरह से सहायता प्रदान की। इस प्रकार रत्नागिरी के क्षेत्र ने देश को अनेकों रत्न दिए हैं जिनमें सभी एक से बढ़कर एक हैं। रत्नागिरी जिले ने एक और मूल्यवान रत्न के रूप में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी दिया। इससे रत्नागिरी जिले का जो नाम है वो सार्थक हो गया है और ऐसा लगता है कि इस जिले में जो भी न जाने कितने अभी भविष्य में भी अन्य रत्न पैदा होंगे। ऐसी विभूतियों की जीवन गाथाओं के बारे में जानकर लोगों को विशेषकर युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती है। इन सभी महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में नैतिकतापूर्ण लक्ष्य सामने रखे और उस पर निरंतर चलते रहे। अच्छे उद्देश्यों के लिए उन लोगों के प्रयासों का लाभ समाज और देश को मिला है। इस संदर्भ में मराठी में कुछ पंक्तियां मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। पावले ती धन्य होती ध्यास पंथे चालता, पावले ती धन्य होती ध्यास पंथे चालता, सार्थक जीवाचे होते ध्यास पंथे चालता, गौरान्वित होते संस्था ध्यास पंथे चालता, उजलते तेज माय भूचे ध्यास पंथे चालता। अर्थात लक्ष्य के पथ पर चलते हुए चरण धन्य हो जाते हैं, लक्ष्य के पथ पर चलते हुए जीवन सार्थक हो जाता है, लक्ष्य के पथ पर चलते हुए संस्थान के सम्मान में वृद्धि होती है तथा लक्ष्य के पथ पर चलते हुए मातृभूमि की गरिमा बढ़ जाती है। इसी भावना के साथ समानता और समरसता के लक्ष्यों की ओर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। देवी और सज्जनों, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की सीख बाबा साहब को अपने पिता श्री रामजी सकपाल से भी मिली होगी जो फौज में सूबेदार मेजर रह चुके थे। बाबा साहब के आजोबा यानी पितामह श्री मालोजी सकपाल भी फौज में रहे थे। बाबा जी के पिताजी मानते थे कि देश की रक्षा व सुरक्षा हेतु अपने जीवन की कुर्बानी देने के लिए महार रेजिमेंट में भर्ती होना उन सबका राष्ट्रीय दायित्व है, लेकिन महार जाति के लोगों की फौज में भर्ती पर सन 1892 से रोक लगा दी गई। सेना से सेवानिवृत्त होने के बावजूद बाबा साहब के पिताजी ने उस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई और महादेव गोविंद राणा डे
तथा बंबई के गवर्नर के समक्ष इस मुद्दे पर ज्ञापन दिया। फौज में महार समुदाय के लोगों की भर्ती के इस विषय को लेकर वे निरंतर प्रयासरत रहे। अंततः फरवरी 1917 में वह आदेश निरस्त किया गया और प्रथम विश्व युद्ध के समय महार बटालियन की पुनः स्थापना की गई। देवी और सज्जनों, शिक्षा और स्वाध्याय के प्रति बाबा साहब की निष्ठा सर्वविदित है। मुंबई में उनके निवास, राजगृह में उनका निजी पुस्तकालय अत्यंत विशाल था। शिक्षा और अध्ययन को उन्होंने व्यक्तित्व, समाज और राष्ट्र निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में अपनाया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। बचपन से ही अध्ययन के प्रति उनके अनुराग का एक रोचक उदाहरण उनके इस पैतृक गांव से जुड़ा हुआ। आज मैं जब बाबा साहब के स्मारक पर अपने श्रद्धांजलि अर्पित करने गया तो वहाँ पर उनके परिवार से जुड़े हुए सुदामा जी हैं, सकपाल जी, उन्होंने भी इस घटना का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि जैसा कि लोग जानते हैं कि जिन दिनों बाबा साहब ने सतारा तथा मुंबई में अपनी पढ़ाई शुरू की थी उस समय वो प्रायः परिवार के बड़े लोगों के साथ अपने इस गांव में आया करते थे। शायद जब वे कक्षा 9 की पढ़ाई कर रहे थे उस समय उनके एक भाई आनंद जी का विवाह इसी गांव में हुआ था। विवाह समारोह में भाग लेने के लिए पूरे परिवार के साथ बाबा साहब भी आए थे। विवाह संपन्न होने के बाद जब सभी को मुंबई वापस लौटना था उस समय ये पाया गया कि बाबा साहब, जिन्हें भिवा के नाम से भी पुकारा जाता था, वहाँ नहीं थे। लोगों ने उन्हें खोजना शुरू किया। किसी व्यक्ति ने बताया कि एक बच्चा थोड़ी दूर स्थित एक मंदिर में बैठकर कोई पुस्तक पढ़ रहा है। बाबा साहब के पिताजी समझ गए कि वो बालक भिवा ही हो सकता है। परिवार के लोगों ने जाकर पुस्तक पढ़ने में डूबे हुए बाबा साहब को साथ लिया और मुंबई के लिए रवाना हो गए। ये बाबा साहब की शिक्षा के प्रति जो लगाव था उस लगाव को दर्शाता है कि शिक्षा ही जीवन में हर व्यक्ति के उन्नति का माध्यम होता है और इसीलिए उन्होंने जो मूल मंत्र दिया था, एजुकेट, शिक्षित बनो, उसके बाद एजिटेट, शिक्षित बनो, संगठित रहो और स्ट्रगल करो, ये जो मूल मंत्र था उसमें शिक्षा सबसे पहले है। आज शिक्षा की बहुत जरूरत है, हम सबके लिए जरूरत है शिक्षा। मैं कभी कभी कहता हूँ, जब आम लोगों से भी मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि किसी को 3 समय का भोजन यदि आपके घर में बनता है तो 2 समय का भोजन कर लेना, लेकिन अपने बेटे बेटियों को शिक्षा के बारे में उनका जो अवसर मिला है वो अवसर उनको मत गंवाने देना। देवी और सज्जनों, कोविड की महामारी के संकट के दौरान ही इस क्षेत्र के लोगों को जून 2020 में निसर्ग साइक्लोन की आपदा का सामना भी करना पड़ा। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी डिक्की द्वारा निसर्ग साइक्लोन के बाद यहाँ के सभी परिवारों के लिए राहत के कार्य करने के साथ साथ इस गांव को आत्मनिर्भर बनाने की भी पहल की गई। इस प्रयास में डिक्की के साथ खादी ग्रामोद्योग निगम, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी तथा बैंक ऑफ बड़ौदा की भागीदारी भी है। मुझे बताया गया है कि कोविड महामारी के कारण इस प्रकल्प को कार्य रूप देने में कुछ रुकावट आई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इस गांव में छोटे उद्यमों को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का यह सामूहिक प्रयास परिवर्तनकारी सिद्ध होगा तथा यहाँ के लोगों के जीवन में अच्छा बदलाव आएगा। इस गांव तथा क्षेत्र के लोग प्रगति और समरसता का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार भारत के अन्य ग्रामीण अंचलों में भी विकास और आत्मनिर्भरता का प्रयास हो। जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी सही अर्थों में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा।
इस संदर्भ में यह बताना प्रासंगिक है कि बाबा साहब भी स्वरोजगार के समर्थक थे। उन्होंने स्टॉक और शेयर्स के व्यापार में सलाहकार के रूप में व्यवसाय करने के लिए एक फर्म की स्थापना की थी। CPWD के टेंडरों में वंचित लोगों की हिस्सेदारी की मांग करते हुए उन्होंने सन 1942 में वाइसराय लिल्लियो थगो को ज्ञापन दिया था। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में स्वरोजगार द्वारा आर्थिक शक्ति अर्जित करने वाले उद्यमी का स्वरूप भी शामिल है। अपनी व्यापक सामाजिक व राजनीतिक जिम्मेदारियों के कारण वे उद्यमी पक्ष को समय नहीं दे पाए, लेकिन उनके प्रयासों के फलस्वरूप आज हमारे देश में हर वर्ग के युवा स्वरोजगार द्वारा सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। वंचित वर्ग से निकले सफल उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियों की दलित मिलीनियर्स जैसी पुस्तकें प्रकाशित और लोकप्रिय हुई हैं। उद्यमशीलता से जुड़े इस सराहनीय परिवर्तन में यहाँ उपस्थित डिक्की के फाउंडर चेयरमैन पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मिलिंद कांबले जैसे लोगों का उदाहरण अनुकरणीय है। ऐसे उद्यमियों की उपलब्धियां बाबा साहब के बहुआयामी योगदान का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की व्यवस्था में आज प्रत्येक वर्ग के युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हैं। बाबा साहब का आदर्शवाद उनके कार्यों में परिलक्षित होता था। उनकी कार्य निष्ठा का गहरा प्रभाव उनके सहयोगियों में देखा जा सकता है। सौभाग्य से मुझे कुछ ऐसे निस्वार्थ जन सेवकों के साथ काम करने का अवसर भी मिला जो स्वयं बाबा साहब के साथ जुड़े रहे। यहाँ उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई के पिता श्री रामकृष्ण सूर्यभान गवई, जो पूर्व में राज्यपाल और संसद में मेरे सहयोगी भी थे, उन लोगों में थे जिन्होंने बाबा साहब के साथ संघर्ष किया और उसके बाद उनके पदचिन्हों पर चलते हुए समाज की सेवा की। ऐसे जन सेवकों की संवेदनशीलता और परहित की भावना ने मेरे मनो मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ी है। बाबा साहब के इस स्मारक पर आकर मेरा यह संकल्प और भी दृढ़ होता है कि हम सभी को राष्ट्र के विकास हेतु अपना सर्वस्व निछावर करना होगा। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अंत में मैं बाबा साहब की पूर्ण स्मृति को पुनः प्रणाम करते हुए आप सभी के सुखद भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।